मोमोज तो हम सबको पसंद होते ही हैं, मुश्किल से ही कोई होगा कि जिसे मोमोज पसंद नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आज हम आ गए हैं लाजपत नगर में, जो कि है न्यू दिल्ली में। ये फेमस है सेंट्रल मार्केट के नाम से भी, और ये एक और चीज के लिए फेमस है जो कि है डोलमा आंटी के मोमोज। अब मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है इन ऑथेंटिक स्टाइल मोमोज को ट्राई करने के लिए। यहाँ पर मिलते हैं 3 वैरायटी के मोमोज, चिकन मोमोज, वेज मोमोज और पनीर मोमोज, और उनकी कॉस्ट है यहाँ पे 60 रुपीज है हमारी चिकन मोमोज की। और यहाँ पे फुल प्लेट में मिलते हैं आपको 8 मोमोज और हाफ प्लेट में 4 मोमोज। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मोमोज के साथ जो ये चटनी सर्व करते हैं, ये है चिली चटनी। तो आप देख सकते हैं कि क्या लाल रंग है इसका, मस्त ये चटनी है। और इसी के साथ है ये गार्लिक चटनी। तो मेरे साथ है अश्लेषा जो कि यहाँ पे 12 साल से मोमोज ट्राई कर रही हैं। और अभी आपने कौन सा ऑर्डर किया है? चिकन मोमोज। और आप बताएंगी क्या खास बात है इन मोमोज की? Everything is special. Chutney se lekar, the momos, the quality, everything is fantastic. It's been ages I'm having, so this kind of a momos I haven't got anywhere till date. So you have chicken momos ya veg ya paneer bhi try karte ho ya only paneer chicken? Bhi try karti hu at times, but mera favorite chicken hai. Jaise jo chicken khata hai wo paneer aur veg ki taraf jata nahi hai. Actually, so it's like ki chicken momos wala chicken hi khayega. Bilkul bilkul. तो आप देख सकते हो मोमोज कितना सॉफ्ट है। और मोमोज में वही खास बात होती है कि जो इसकी बाहर की लेयरिंग है वो पतली और एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। तो जो ये मैदा पार्ट है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और अब मैं इसे ट्राई करूंगी, तो उसको मैंने डुबोया है इस चटनी में। मुंह में जाते ही घुल गए हैं ये मोमोज, और बहुत ही सॉफ्ट और मस्त है। तो जैसा नाम सुना था वैसे इनके मोमोज भी हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके पनीर मोमोज। तो पनीर मोमोज राउंड शेप में है। पनीर मोमोज भी अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे मोमोज खाने होंगे तो मैं जाऊंगी चिकन मोमोज के साथ। मोमोज के साथ ये लोग यहाँ पे सर्व करते हैं चाइनीज प्लेटर, वेज और नॉन वेज दोनों। तो वेज प्लेटर है यहाँ पे 80 रुपीज का, और नॉन वेज प्लेटर है 100 रुपीज का। तो मैं आपको दिखाती हूँ वेज प्लेटर को पहले। वेज प्लेटर में ये देते हैं नूडल्स, चिली पोटैटोस, स्प्रिंग रोल और चिली पनीर, और ये है एकदम मस्त मंचूरियन। दोस्तों मैं बता सकती हूँ आपको कि मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस मंचूरियन से, और बड़ी लाल सी चटनी है। तो डोलमा आंटी की ये शॉप खुलती है सुबह 12 बजे से शाम को 10:30 बजे तक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिन भर में बहुत ही रश रहता है। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है हमारा नॉन वेज प्लेटर। तो इन्होंने डाले हैं यहाँ पे नूडल्स। भैया क्या है ये? चिली चिकन, चिकन कबाब, चिकन मंचूरियन, 3 आइटम्स। तो यहाँ पे मेरे हाथ में आ गया मेरा नॉन वेज प्लेटर, और अब मैं इसे ट्राई करूंगी। तो डोलमा आंटी की ये शॉप 1994 से है, तो एकदम गर्मा गर्म ये प्लेटर सर्व हुआ है, और अब मैं ट्राई कर रही हूँ उसका चिली चिकन। तो मेरे साथ है अंकिता जो कि रहती है जर्मनी में, तो हम उनसे बात करते हैं इन डोलमा आंटी के मोमोज को लेके। हाँ तो अंकिता, आप जब भी यहाँ आती हैं आप स्पेशली ये मोमोज ट्राई करने आती हैं या शॉपिंग? समटाइम्स लाइक इट हैपेंस कि मैं ये मोमोज खाने के लिए आती हूँ, और समटाइम्स जब भी मैं शॉपिंग के लिए आती हूँ तो मैं यहाँ के मोमोज जरूर खा के जाती हूँ। अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years। ओके, तो क्या आपको यहाँ का क्या फेवरेट लगता है? I can't tell you especially the taste and the things, but I like the momos and that's it. Okay, thank you. Welcome. तो मुझे तो पसंद है चिकन मोमोज। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से मोमोज खाना पसंद है। मेरे तो बड़े मजे हो गए हैं, फूड व्लॉगिंग भी हो गई है और साथ ही साथ हस्बैंड के साथ आउटिंग भी हो गई है। तो अब हम निकल चुके हैं लाजपत नगर की इन रंग बिरंगी गलियों में, और ये सामान देख के, ये रंग बिरंगे दुपट्टे देख के तो मुझे मन कर रहा है कि मैं शॉपिंग कर लूँ, और ये झुमके लिए बिना तो मैं मानूंगी नहीं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए आप ऐसे ही मेरे साथ, क्या पता खाते पीते मैं आपसे कहाँ टकरा जाऊं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।